हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव पाथवे लास्ट वीडियो में हमने क्लासिकल पाथवे के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में तीन प्रिंसिपल पाथवे इन्वॉल्व होते हैं पहला क्लासिकल पाथवे दूसरा अल्टरनेटिव पाथवे और तीसरा लैक्टिन पाथवे तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में और इससे पहले वाले वीडियो में हम क्लासिकल पाथवे के बारे में पढ़ चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैक्टिन पाथवे के बारे में अल्टरनेटिव पाथवे द अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज एन इनेट कॉम्पोनेट ऑफ इम्यून सिस्टम नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन अल्टरनेटिव पाथवे इम्यून सिस्टम का एक इनेट कंपोनेंट है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है इसको डिस्कवर किया था पिल्मर ने 1954 में ठीक द एक्टिवेशन ऑफ सी थ्री विदाउट प्रायर पार्टिसिपेशन ऑफ सी वन फोर बी टू ए इज नोन एज अल्टरनेटिव पाथवे ठीक हमने क्लासिकल पाथवे में पढ़ा था कि क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बाद लेकिन अल्टरनेटिव पाथ पे एक्टिवेट होता है डायरेक्टली सी थ्री से सी जैसे कि कोई फोर जब जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सी थ्री क्या हो जाता है डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है और उस बैक्टीरिया या उस वायरस के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है अल्टरनेटिव पाथ में हमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं होती है अल्टरनेटिव पाथ विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के एक्टिवेट हो जाता है ठीक क्लासिकल पाथवे में और सॉरी अल्टरनेटिव पाथवे जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारे C3 से और क्लासिकल पाथवे में C3 हमारा एक्टिवेट होता है कब जब कॉम्प्लेक्स बनता है सी वन फोर बी टू ए जब सी वन फोर बी टू ए कॉम्प्लेक्स बनता है तब जाके सी थ्री क्या होता है एक्टिवेट होता है किसमें क्लासिकल पाथवे में ठीक सी सी वन फोर बी टू ए को हम सी थ्री कन्वर्टेज भी कहते हैं तो इसमें अल्टरनेटिव पाथवे में C1, वन इन्वॉल्व नहीं होते हैं अल्टरनेटिव पाथवे डायरेक्टली C3 से ही एक्टिवेट हो जाता है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं द एक्टिवेशन ऑफ सी थ्री विदाउट प्रायर पार्टिसिपेशन ऑफ सी वन फोर बी टू ए इज नोन एज एक्टिव अल्टरनेटिव पाथवे यानी कि ये डायरेक्टली विदाउट दी थ्री कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स के क्या होता है सी थ्री इसमें एक्टिवेट हो जाता है अब इसमें मैंने बताया कि हमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं होती है एक्टिवेशन कॉम्प सी थ्री को एक्टिवेट करने के लिए इसमें क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरिया फंजाई पैरासाइट, कोबरा वेनम, आईजीए ए ये सब क्या करते हैं इस सी थ्री को एक्टिवेट करते हैं यानी कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में होता है या जैसे कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सी थ्री क्या हो जाता है डायरेक्टली उसके एंटर करने के बाद ही वो एक्टिवेट हो जाता है और उस वायरस के सरफेस पे जाके अपना काम करना स्टार्ट कर देता है सेम ऐसे बैक्टीरिया के केस में भी होता है फंजाई के केस में भी होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या फंजाई या पैरासाइट जैसी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सी थ्री एक्टिवेट होके उसके सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है यान वायरस बैक्टीरिया फंजाए पैरासाइट कोबरा वेनम आई जी एन पॉलीसाइक्राइड सी थ्री को क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं इसीलिए इनको हम एक टाइप का एक्टिवेटर भी कहते हैं ठीक अब हम स्टार्ट करते हैं पाथवे अब पाथवे हम स्टार्ट करेंगे सी थ्री से यानी कि अल्टरनेटिव पाथवे जो है वो स्टार्ट होता है कहाँ से सी थ्री से सी थ्री क्या होता है सी थ्री नॉर्मली नौर्म, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ठीक और सी थ्री के हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या होता है सी थ्री भी जनरेट होता है यानी कि जब सी थ्री का हाइड्रोलाइसिस होता है तो सी थ्री ए क्या हो जाता है सी थ्री दो पार्ट में दो सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है सी थ्री ए एंड सी थ्री बी सी थ्री अदर सर अदर रिएक्शन में चला जाता है बॉडी के अदर रिएक्शन में चला जाता है लाइक एनाफाइला टॉक्सिन में ठीक और सी थ्री भी अल्टरनेटिव पाथवे में आगे इन्वॉल्व होता है या अपना रोल प्ले करता है ठीक तो सी थ्री बी जो होता है फ्री फॉर्म में हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है बट फैक्टर एच एन आई इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं ठीक ऐसा फैक्टर एच एन आई इसको इनएक्टिवेट इसलिए करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं है तो उस टाइम पे इसका एक्टिवेट होने का कोई कोई फायदा भी नहीं होता है इसीलिए फैक्टर एच एंड आई जब कोई इन्फेक्शन नहीं होता है तो सी थ्री बी को इनएक्टिवेट कर देते हैं ठीक जैसे ही एक्टिवेटर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं एक्टिवेटर लाइक वायरस बैक्टीरिया फंजाई पैरासाइट कोबरा वेनम कोई भी इस टाइप इनमें से कोई भी फॉरन पार्टिकल जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो सी थ्री भी क्या हो जाता है जो इनएक्टिव फॉर्म में था वो एक्टिवेट हो जाता है और उस फॉरन पार्टिकल के सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है इसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है एंडोटॉक्सिन क्या है एक्टिवेटर मैंने इसमें बताया बैक्टीरिया के सर्फेस पे होता है एंडोटॉक्सिन ठीक कोई बैक्टीरिया आया इस बैक्टीरिया के सरफेस पे सी थ्री बी अटैच हो गया ठीक ये आपका क्या है बैक्टीरिया है और ये सी थ्री बी इस पे आके अटैच हो जाता है ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट केस में क्या होता है अब इस सी थ्री बी पे जो बैक्टीरिया की सरफेस पे अटैच हुआ है इसपे फैक्टर बी आके अटैच कर जाता है मैग्नीशियम के प्रेजेंस में फैक्टर बी आता है और इस सी थ्री बी के साथ अटैच हो जाता है ये बैक्टीरिया था इस पर सी थ्री बी था और इसके साथ यहाँ पे बी आके अटैच हो जाता है अब क्या होता है नेक्स्ट केस में फैक्टर डी क्या करता है फैक्टर डी आया फैक्टर डी क्या करता है इस बी को फैक्टर बी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है जिससे कि क्या होता है कि दो दो डिवाइड हो जाता है फैक्टर बी बी ए एन बी बी ठीक फैक्टर बी आया फैक्टर बी ने इस बी को फैक्टर बी को फैक्ट सॉरी फैक्टर डी यहाँ तक हमने देखा कि बैक्टीरिया आया बैक्टीरिया के सरफेस पे सी थ्री बी एक्टिवेट होके अटैच हो जाता है देन नेक्स्ट केस में क्या होता है फैक्टर बी आता है फैक्टर बी मैग्नीशियम की प्रेजेंस में सी थ्री बी के साथ अटैच हो जाता है देन उसके बाद फैक्टर डी आता है और ये फैक्टर डी इस बी को फैक्टर बी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है दो सब पार्ट में बी बी एंड बी बी ठीक बी ए अदर सर्कुलेशन में चला जाता है और बी बी आगे इसी कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है यहाँ पे ये बना है ना, सी थ्री बी और बी बी तो ये हमारा क्या है सी थ्री कन्वर्टेज यहाँ पे हमारा ये सी थ्री कन्वर्टेज यहाँ पे हमारा बन गया ठीक देन जैसे सी थ्री कन्वर्टेज बनाया तो क्लासिकल पाथवे में क्या होता है जब जब कन्वर्टेज कन्वर्टेज होता बनता बनता है जब ये बनता है ये कॉम्प्लेक्स तो उसमें क्या होता है सी थ्री एक्टिवेट हो जाता है तो ये सी थ्री कन्वर्टेज यहाँ पे बना और सी थ्री एक्टिवेट हो गया फिर से सी थ्री दो सब पार्ट में डिवाइड हुआ सी थ्री ए एंड सी थ्री बी ठीक देन ये सी थ्री ए तो अदर रिएक्शन में चला गया एनाफाइला टॉक्सिन रिएक्शन में लगाई और सी थ्री बी इसमें आके अटैच हो गया तो ये क्या बन गया सी थ्री बी 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 सी थ्री बी ठीक इसको हम एक टाइप का क्या कहते हैं सी फाइव कन्वर्टेज ठीक अब सी थ्री सी फाइव कन्वर्टेज हुआ तो सी फाइव कन्वर्टेज से क्या एक्टिवेट हो जाता है सी फाइव एक्टिवेट हो जाता है तो जो ये बना है ये कॉम्प्लेक्स सी थ्री बी 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 सी थ्री बी और इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाता है सी फाइव बी फाइव बी इसमें आके जुड़ जाता है ये आपका कॉमन पाथवे हो जाता है फिर जैसे क्लासिकल पाथवे भी सेम वही था सी फाइव कन्वर्टेज जब बनता है तो सी फाइव आके इसमें एक्टिवेट हो जाता है इस जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स चल रहा था बैक्टीरिया के सरफेस पे ठीक तो उसमें क्या हुआ पहले तो ये था बी बी आया बी बी बना फिर इसके साथ जुड़ गया सी थ्री बी ठीक फिर इसके साथ जुड़ेगा फाइव बी फिर इसके साथ जुड़ के जुड़ने के लिए आ जाएंगे क्या सी सिक्स सी सेवन सी एट एंड सी नाइन तो ये हमारा एक क्या बन जाता है कॉमन पाथवे बन जाता है तो ये जब ये कॉम्प्लेक्स आपके बैक्टीरिया के सरफेस पे उस फॉरन पार्टिकल के सरफेस पे जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है इस बैक्टीरिया के सरफेस पे होल्स बनाना स्टार्ट कर देता है पोर्स बनाना स्टार्ट कर देता है जिससे कि ये बैक्टीरिया लाइस होना स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया सेल लाइस होना स्टार्ट हो जाती है और बैक्टीरिया लास्ट में बैक्टीरिया किल हो जाता है ठीक तो ये हमारा क्या हो गया अल्टरनेटिव पाथवे ठीक है अब वापस से मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूं C3 हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म में फ्रीली C3 हमारी ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहता है बट अगर कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन या वायरस हमारी बॉडी में नहीं होता है उस केस में क्या होता है ये सी थ्री बी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है फैक्टर एच एंड फैक्टर आई इस सी थ्री बी को इनएक्टिवेट कर देते हैं बट जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल एक्टिव एंटर करता है हमारी बॉडी में तो सी थ्री बी क्या हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है और सी थ्री बी उस बैक्टीरिया के सरफेस पे जाके क्या हो जाता है अटैच हो जाता है लाइक like मैं यहाँ पे बता देती हूँ फॉरेन पार्टिकल आया इस फॉरेन पार्टिकल की सरफेस पे सी थ्री बी आके अटैच हो जाता है जैसे ये सी थ्री बी अटैच हो जाता है इस सी थ्री बी के इस सी थ्री बी के साथ फैक्टर बी आके यहाँ पे अटैच हो जाता है फैक्टर बी जब अटैच हो जाता है तो फैक्टर डी क्या करता है फैक्टर डी आता है और इस फैक्टर बी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है किस किस में एक तो हो गया बी ए एंड बी बी में ठीक तो ये सरफेस के ऊपर क्या बन जाता है फिर ये था बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के साथ आपका आया सी थ्री बी और जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया फैक्टर बी को जब फैक्टर डी ने दो पार्ट में डिवाइड करा तो फैक्टर जो जो सब डिविजन हुआ बी 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 एंड बी ए तो बी ए जो होता है वो अदर रिएक्शन में चला जाता है और बी बी इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है तो ये क्या बन जाता है यहाँ पे सी थ्री कन्वर्टेज ये है ना हमारा यहाँ पे सी थ्री बी एंड बी बी तो ये हमारा बन गया यहाँ पे सी थ्री कन्वर्टेज ठीक यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है सी थ्री कन्वर्टेज तो जैसे यहाँ पे सी थ्री कन्वर्टेज बन जाता है तो इसके साथ यहाँ पे सी थ्री बी फिर से आके इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि सी थ्री सी थ्री कन्वर्टेज सी थ्री को एक्टिवेट करता है और सी थ्री दो सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है सी थ्री ए एंड सी थ्री बी तो सी थ्री ए अदर रिएक्शन में चला जाता है एंड सी थ्री बी सी थ्री ए इसमें अदर रिएक्शन में चला गया और सी थ्री बी यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आके जुड़ जाता है तो ये आपका एक टाइप का बन जाता है फिर सी फाइव कन्वर्टेज तो सी फाइव कन्वर्टेज जैसे बना तो उसमें भी सेम चीज होता है सी फाइव दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है सी फाइव ए अदर रिएक्शन में चला जाता है और सी फाइव बी यहाँ पे फाइव बी इसी कॉम्प्लेक्स में आके अटैच हो जाता है सी फाइव के बाद सी सिक्स सी सेवन सी एट एंड सी नाइन इस कॉम्प्लेक्स में आके जुड़ जाते हैं इसको हम एक टाइप का क्या कहते हैं यहाँ से यहाँ तक एक ये आपका कॉमन पाथवे होता है ये पाथवे आपने क्लासिकल पाथवे में भी देखा होगा यही पाथवे इलेक्ट्रिक पाथवे में भी इन्वॉल्व होता है और अल्टरनेटिव पाथवे में भी इन्वॉल्व होता है बस इन पाथवे का एक्टिवेशन अलग अलग होता है लाइक जो आपका क्लासिकल पाथवे है वो एंटीजन एंटीबॉडी के बाद एक्टिवेट होता है अल्टरनेटिव पाथवे सी थ्री से स्टार्ट होता है जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया वायरस फंजाई पैरासाइट जैसी ये एंटर करते हैं हमारी बॉडी में तो अल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट हो जाता है सी थ्री से अल्टरनेटिव पाथवे हमारा स्टार्ट होता है तो जैसे ही अल्टरनेटिव पाथवे में ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है इस बैक्टीरिया सर्फेस के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये इस बैक्टीरिया की सर्फेस के ऊपर होश बनाना स्टार्ट करते हैं और होस्ट बनाते हुए सेल्स को लाइस करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल्स लाइस हो जाती है एंड लास्ट में सेल क्या हो जाती है सेल डेथ हो जाती है सेल किल हो जाती है बैक्टीरिया सेल जो आई थी फॉरेन पार्टिकल जो था वो किल हो जाता है तो ये है हमारा अल्टरनेटिव पाथवे अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैक्टिन पाथवे के बारे में और ये फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें कंप्लीट हो जाएगा